नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम BSc पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री का प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री वाले पार्ट्स हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। परीक्षा में ये जो टॉपिक है जेब्लॉन्स की डायग्राम या जेब्लॉन्स की आरेख बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो इस पे आज हम चर्चा करते हैं। क्या है ये डायग्राम और किस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है? तो यहाँ जो आपको डायग्राम दिखाया गया है वो जेब्लॉन्स की डायग्राम है। बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए भी, और यदि इसको सरसरी दृष्टि से पढ़े तो ये बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है। यहाँ जो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को आपको देखना है किस प्रकार से जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक जो अणु हैं वो प्रकाश या फोटोन या क्वांटा का अवशोषण करता है, और उसके बाद में वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और उत्तेजित अवस्था में जाने की प्रक्रिया और उत्तेजित अवस्था से वापिस लौटने की प्रक्रिया में जो विभिन्न प्रकाश भौतिक और विभिन्न जो प्रकाश रासायनिक प्रक्रम घटते हैं, उन सब प्रक्रमों को प्रदर्शित करने वाला ये आरेख है, और इसको अपन जेब्लॉन्स के आरेख कहेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, S0, S1, S2, S3, इसी प्रकार से T1, T2 और T3। जो S लिखे गए हैं वो सिंगलेट फॉर्म में हैं, और जो T लिखे हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में। कल हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को समझा था, आज मैं तुम्हें वापिस से थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंगलेट क्या होगा। जैसे किसी अणु में जो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर होता है जिसको अपन ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं, और ऐसा जब भरा जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या जिसको S1 कहेंगे, इसका मान +1/2 होता है, और जो ये वामावर्त चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या जिसको मैं यहाँ S2 लिख रहा हूँ, इसका मान -1/2 होता है। जब इस पूरे सिस्टम के लिए यदि मैं कुल चक्रण क्वांटम संख्या निकालता हूँ तो ये S1 + S2 के बराबर होगी, और यहाँ निकालते हैं तो ये +1/2 और -1/2, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब मैं इसके लिए बहुलकता मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ, हिंदी में आप बहुलकता कहेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुलकता, ये आपका 2S+1 वाले फॉर्मूले से निकलती है। तो यहाँ आप मान रखेंगे 2 × S का मान 0 निकाला गया है और प्लस में 1, तो ये मल्टीप्लिसिटी का मान 1 आया है। इसको आप एकक या सिंगलेट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो अवस्था होती है वो अवस्था ग्राउंड स्टेट की होती है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, और उस ग्राउंड स्टेट के लिए जो सिंगलेट है इसका सिंबल अपन S0 नोट करेंगे, S0 या S0 कह देंगे। जब ये कुछ ऊर्जा लेता है और बिना कोई बहुलकता को चेंज किए हुए यदि ये जाता है, तो मान लीजिए ये निम्न ऊर्जा कक्षक, ये उच्च ऊर्जा, दोनों S से और S से जाए, तो दक्षिणावर्त चक्रण के लिए वैसे ही +1/2 होगी, और वामावर्त चक्रण के लिए -1/2 होगी, और उस प्रकार की अवस्था में इनके लिए टोटल S 0 होगा। बहुलकता का मान निकालते हैं तो ये आपका 1 आएगा,
लेकिन ये उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा लेकर के, तो इसको कहेंगे सिंगलेटी, लेकिन ये एस वन होगा। इसी प्रकार से आगे और उच्च ऊर्जा के लिए यदि हम ऐसे ही आएंगे तो वो एस टू होगा, और वैसे ही और उच्च ऊर्जा वाला एस थ्री होगा। तो यहाँ जो सिंबल लिखे गए हैं, एस जीरो को आपने समझ लिया, एस वन ऐसा है, इसी प्रकार से एस टू भी आपका ऐसा ही है, इसी प्रकार का एस थ्री है, यानी उच्च ऊर्जा में इस साइड में ऊर्जा प्रदर्शित की हुई है। तो ग्राउंड स्टेट्स हैं, उत्तेजित अवस्था में जब ये जाता है तो ये एस वन एस टू और एस थ्री में बदलता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है। ग्राउंड स्टेट एस जीरो है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी वन है एकक, इसकी भी एकक है, ये भी एकक है, ये भी एकक है, तो ये सब सिंगलेट हैं। एस वन को फर्स्ट सिंगलेट कह दिया, एस टू को सेकंड सिंगलेट कह दिया, एस थ्री को आपने थर्ड सिंगलेट कह दिया। आगे हम यहाँ पे जो आपके ये टी वन टी टू टी थ्री है, इनको मैं समझा देता हूँ वापिस से। टी वन किस टाइप से होगा? यदि इलेक्ट्रॉन दो कक्षकों में ऐसा भरा हुआ है, दोनों का चक्रण समान है, और दोनों का जब चक्रण समान है तो इसके लिए भी एस वन प्लस हाफ है, दक्षिणावर्त है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी दक्षिणावर्त है, तो इसके लिए भी एस टू बराबर प्लस हाफ है। टोटल एस जब हम निकालते हैं तो एस वन प्लस एस टू प्लस हाफ, तो ये आपका वन आ गया। यदि बहुलकता निकालते हैं तो बहुलकता आपके इसकी 2s+1 वाले फॉर्मूले से है, 2 × 1 + 1, ये 2 और +1 3, तो ये जब आता है तो इसको आप ट्रिपलेट कहेंगे। ट्रिपलेट T0 नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है ट्रिपलेट, तो आपके कुछ ऊर्जा में ही आएंगे। तो पहला जो ट्रिपलेट होगा वो आपका T1 हो जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट जो होगा वो T2 हो जाएगा, और अगला ट्रिपलेट है T3, इस प्रकार से TN हम इनको लिख सकते हैं। तो ये आपके सिंगलेट और ट्रिपलेट की प्रक्रिया समझ में आई। अब ये जो बने हैं इनके अंदर ऊर्जा का जो क्रम दिखाया गया है, देखो ये सिंगलेट हैं, ज़्यादा ऊर्जा का है कंपेरेटिव, जैसे S3 है और ये T3 उससे नीचे है, S2 की बजाय T2 नीचे हैं तो ज़्यादा स्थायी हैं, S1 की बजाय T1 नीचे हैं तो ये ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इनको नीचे रखा गया। अब इनमें जब ग्राउंड स्टेट से ऊर्जा का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करके H₂ लाइट का करके और अणु S1 में जाता है तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ, अणु S₀ से S₂ में जाता है तो भी एब्जॉर्प्शन आई है, अणु S₀ से S₃ में जाता है तो भी ये ऊर्जा का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है। अब वापिस जब यहाँ S₃ में पहुंच गया, या S₂ में पहुंच गया, या S₁ में पहुंच गया, तो इससे वापिस ऊर्जा का उत्सर्जन करके जो संक्रमण होंगे, प्रकाश भौतिक या प्रकाश रासायनिक संक्रमण जो होंगे वो यहाँ दिखाए गए हैं। और इसमें ये देखो एक IC दिखाया गया है, इंटरनल कन्वर्जन, और एक ISC ये दिखाया गया है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये दोनों ही जो आपके संक्रमण हैं वो विकिरण रहित संक्रमण है, यहाँ पे विकिरण रहित संक्रमण में ये दोनों आ गए। अब यहाँ देखिए आप किसको IC कहेंगे, किसको ISC कहेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पहुँचने में जो मॉलिक्यूल ए है वो H₂ को एब्जॉर्ब करता है, ए स्टार में कन्वर्ट होता है, सक्रिय अणु बनता है। अब सक्रिय अणु उत्तेजित अणु वापस मूल अवस्था में इन प्रक्रमों के द्वारा आएगा, एक प्रक्रम आपका IC यहाँ लिखाया गया है, एक प्रक्रम यहाँ ISC दिखाया गया।
यहाँ आईसी दो दिखाए गए हैं, तो इनको आप ये मान लेंगे ये फर्स्ट आईसी है, ये आपका सेकंड आईसी है। यानी एस टू से एस वन में आया तो ये आपका फर्स्ट आईसी हो गया, और एस थ्री से एस टू में आया तो ये आपका आईसी टू कह सकते हैं अपन इसको। अब यहाँ जो हो रहा है आईसी में, वो देखिए कि विकिरण रहित है ये, और इसमें इनकी गति बहुत कम होती है और समय जो लगता है वो बहुत कम लगता है, 10^-9 से लेकर के 10^-2 सेकंड समय लगता है इनके अंदर, 10^-9 से लेकर के 10^-2 सेकंड तक ये समय लग रहा है, विकिरण रहित है। तो यहाँ जो उच्च ऊर्जा में पहुँचा गया है, विकिरण के रूप में ऊर्जा नहीं निकाल करके जब नीचे आता है अणु तो उसमें ऊर्जा के रूप में वो निकालता है, यानी एस थ्री से एस टू में जाता है तो ऊर्जा उसमें रूप से बाहर निकालता है। अब इनमें बहुलकता का मान चेंज नहीं हो रहा है आईसी में, आईसी में मल्टीप्लिसिटी जो है बहुलकता वो समान है, यानी सिंगलेट्स हैं सिंगलेट में ही है, एस थ्री से एस टू में आ रहा है या एस टू से एस वन में आ रहा है तो ये आपकी बहुलकता समान है, एकक से एकक में चेंज हो रहा है, एकक से एकक में चेंज हो रहा है, इसको आप आईसी कहेंगे। अब आईएससी जो है वो देखिए कि ये यहाँ पे एस टू है, एस टू से टी टू में जा रहा है, ऊर्जा विकिरण रहित बाहर निकल रही है, उसमें ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, ये समय लग रहा है आपके, और इसमें जो है वो देखिए ये इसमें समय 10^-11 तक समय लग रहा है, आईएससी में ये समय लग रहा है। अब आईएससी में बहुलकता जो मल्टीप्लिसिटी जो हमने अभी चेक की थी 2s+1 वाले फॉर्मूले से वो बदल रही है, बहुलकता चेंज, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गए, इसमें बहुलकता चेंज हो जाती है आईएससी में, और आईसी जो है इसमें बहुलकता समान रहती है, मल्टीप्लिसिटी समान रहती है। तो आईएससी के उदाहरण आप एस टू से टी टू कह सकते हैं या एस वन से टी वन कह सकते हैं, टी वन कंपेरेटिव एस वन की बजाय निम्न ऊर्जा का है तो अणु अधिकतर समय टी वन में रहना चाहिएगा, या एस टू की बजाय टी टू निम्न ऊर्जा का है तो अणु अधिकतर समय टी टू में रहेगा, इसी प्रकार एस थ्री की बजाय टी थ्री निम्न ऊर्जा का है, यहाँ पे एनर्जी आपकी कुछ कम है तो टी थ्री में अधिक समय रहना चाहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कोई भी जो ए है वो एच न्यू लेकर के ए स्टार में बदलता है, उसके बाद में वापिस आके कहाँ रुकता है, वो टी वन टी टू या टी थ्री में आकर के कुछ समय के लिए रुकता है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो टी वन टी टू या टी थ्री कंडीशन में ही संपन्न होती हैं, इस अवस्था में ही संपन्न होती हैं। तो हमने ये आईसी और आईएससी को पढ़ा, इसके बाद में आगे हैं विकिरण संक्रमण, वे संक्रमण जिसमें ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलती हैं, ऊष्मा के रूप में बाहर नहीं निकलती हैं, विकिरण के रूप में बाहर निकलती हैं, तो वो हमें कह सकते हैं कि कुछ समय तक वो विकिरण हमें दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो प्रकार की घटना है विकिरण संक्रमण में, पहला है प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस, प्रतिदीप्ति या जो फ्लोरोसेंस है वो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, जीवन काल कम यूँ मान लें कि लगभग 10^-8 सेकंड होता है। तो होता क्या है, इसके अंदर S1 से S0 में कोई आता है, S1 से S0 में आता है, S1 एकक अवस्था है और जो आपकी S0 है वो ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था, तो मूल एकक अवस्था उत्तेजित एकक अवस्था से
मूल एकक अवस्था, मूल एस जीरो है उसमें जब आता है तो आपके विकिरण के रूप में बाहर ऊर्जा निकलती है प्लस एच न्यू कह सकते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आपकी जो प्रक्रिया है वो आपकी फ्लोरोसेंस कहलाती है। फ्लोरोसेंस कह सकते हैं, प्रतिदीप्ति कह सकते हैं, कम समय जीवन काल है। तो यहाँ पर जैसे किसी पदार्थ पे विकिरण गिरती हैं और उसको हटा लेते हैं, इसके बाद भी यदि वो पदार्थ चमकता हुआ प्रदर्शित होता है कुछ समय के लिए, तो वे आपका प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस है। ये टाइम बहुत कम है, प्रकाश गिरा, हटा, वापिस चमक रहा। इसमें बहुलकता का मान चेंज नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी समान रह रही है, बहुलकता समान है। ये यहाँ पे ये इस जगह से आ रहा है S1 से S0, बहुलकता का मान समान है, समय बहुत कम लगता है, S1 से S0 में जाता है, विकिरण संक्रमण है, ये विकिरण बाहर निकलती है तो इसको प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कह देंगे। इसके बाद में हम दूसरे प्रकार का विकिरण संक्रमण देखते हैं, स्फूर्तिदीप्ति या फॉस्फोरोसेंस। तो इसका जो जीवन काल है वो काफी है, इसका जीवन काल अधिक है और ये बिल्कुल जो आपके 10^-8 सेकंड हो रहा था, ये 10^-3 सेकंड तक रह सकता है ये समय, तो जीवन काल अधिक है। अब यहाँ पे इसकी बहुलकता बदल रही है, बहुलकता मल्टीप्लिसिटी जो 2s+1 से निकाली थी वो आपके बदल रही हैं। तो जो उत्तेजित अवस्थाएं थी T3 से T2 या T2 से T1, जब वो नीचे आते आता, जब T1 ट्रिपलेट अवस्था है, वो फर्स्ट ट्रिपलेट अवस्था में कोई भी है अणु, और यदि वे ग्राउंड स्टेट में आता है T1 से एस जीरो में जाता है तो एच न्यू लाइट के रूप में बाहर निकलती है। तो ये T1 जो आपका है वो ऐसे मान सकते हैं, दोनों सेम चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है और एस जीरो में आते हैं तो एस जीरो ये यहां बनाया हुआ है, ग्राउंड स्टेट है तो ऐसे आ गया। इस प्रकार की व्यवस्था में आता है तो उसमें आपको समय अधिक लगता है, बहुलकता बदल गई है, ये ट्रिपलेट अवस्था है, ये आपकी सिंगलेट अवस्था है, जीवन काल इसका अधिक है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रकाश किसी पदार्थ पे गिरता है और प्रकाश को हटा लेने के बाद भी कुछ समय तक यदि वो चमकीला दिखाई देता है, काफी अधिक समय तक चमकीला दिखाई देता है, 10^-3 सेकंड तक, तो इस घटना को आप फॉस्फोरोसेंस कहेंगे या स्फूर्तिदीप्ति कहेंगे। अच्छा, जो पदार्थ फॉस्फोरोसेंस प्रदर्शित करते हैं वो स्फूर्तिदीप्ति युक्त पदार्थ कहलाएंगे, और जो फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं वो प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तो आज हमने इस जेब्लोंस के डायग्राम को पढ़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इसमें ये दोनों प्रक्रम आ गए। इसको और अधिक लिखना चाहते हैं तो आप इसमें जो सिंगलेट किस टाइप से बना है, ट्रिपलेट किस टाइप से बने, अभी जो मैंने ये फॉर्मूले दिखाए हैं इन फॉर्मूलों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। थैंक्स।